चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एचआरएस ब्लॉग्स इंडिया वन। तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो दिखाऊंगा जो बहुत अच्छा है देखने में और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्रोकोली खेत के बारे में और ये खेत कैसा होता है देखने में, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो ये है ब्रोकोली, ये देखिए, इसको साइनिस का भी कहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है ब्रोकोली, इसका ये हो रहा है, इसका ओजन ज़्यादा नहीं होता है लेकिन खाने के लिए बहुत टेस्ट होता है और इसमें बहुत सारे विटामिन भी है, लोग इसको बहुत पसंद करती है, तो इसका मार्केट में ज़्यादा दाम भी है। तो ये देखिए हमारा ब्रोकोली का खेत, ये है, हम इसको उठा रही है, ये देखिए काट लिया हमने, ये बहुत सारे हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के वीडियो देखते हैं तो मैं ये सारे एग्रीकल्चर का वीडियो देते रहता हूँ। तो ये ब्रोकोली का खेत है, ये देखिए, तो ये ब्रोकोली बहुत सारे होती है, इसका बीमारी भी ज़्यादा नहीं होता है लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा है, इसका मार्केट में ज़्यादा दाम भी है, तो इसका खेत भी आप लोग कर सकती हैं। अगर आप लोग इसका खेत करना चाहती है तो आप लोग पहले क्या करना है, इसका जो सीड्स है उसका रोपण करना चाहिए, उसके बाद ऐसा लाइन लेकर इसको रोपण करना चाहिए। हम इसमें निगरानी और इसमें जो पानी देना है ये सारे हम आसानी से दे सकते हैं, इसके लिए हमें लाइन बाय लाइन इसको रोपण करना चाहिए। ये देखिए बहुत सारे, तो ये जो एक बीघा जो जमीन है इसमें हम लोगों ने 65,000 रुपया इसमें हमने बीका है और थोड़ा थोड़ा है इसमें, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम है। अगर आप लोग पैसा कमाना चाहती हैं एग्रीकल्चर से तो आप लोग इसका खेत भी कर सकती हैं। ये देखिए ये हुआ है, हो रहा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए ये भी बहुत बड़ा हुआ है, इसमें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है जब खेत होगा और बिकने के लिए दिक्कत भी नहीं होता है लेकिन इसका मार्केट में बहुत सारे लेते हैं लोग और इसमें मार्केट में दाम भी ज़्यादा है, तब थोड़ा कम है दाम लेकिन जब आप पहले मौसम में उठाएंगे तो बहुत सारा दाम मिलेगा इसका, 100 रुपया किलो भी होता है इसका। तो अगर मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नई वीडियो आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देती रहता हूँ। तो अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा इसका रोपण कैसे होता है, फुल वीडियो आप लोगों को डालूँगा। तो ये वीडियो देखकर आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसको सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच गाइस।